क्या आप भी कपड़ों के रंग निकलने से परेशान हैं? अगर आपके भी कपड़ों के रंग निकल रहे हैं या फिर कपड़े रंग छोड़ रहे हैं, तो आज जो इस वीडियो में टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, उसको फॉलो कीजिए। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके कपड़ों के रंग पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है। बहुत सारी टिप्स मैंने आपको दी हैं कि किस तरीके से कपड़े को धोना चाहिए, किस तरीके से कपड़े को फैलाना चाहिए और किस तरीके से कपड़े को ड्राई करना चाहिए, ताकि आपके कपड़ों का रंग पक्का हो जाए और वो इन फ्यूचर कभी दोबारा से ऐसा रंग ना छोड़ें जैसे कि इस टाइम आप देख सकते हैं वीडियो में चल रहा है। ये कपड़े का ही रंग है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कपड़ों का रंग अगर हमें पक्का करना है, उसके लिए हमें पानी में मिलाना होता है नमक, और उस नमक मिले हुए पानी में हमें मिलाना होता है कपड़े को। तो अब आप बोलेंगे इसमें खास तो कुछ है नहीं, ये तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी प्रॉपर क्वांटिटी बताने वाली हूँ जिससे आपके कपड़े का रंग पक्का हो जाएगा। अक्सर आप लोग ये ट्रिक तो अपनाते होंगे कि आपने नमक डाला पानी में और उसमें कपड़ा भिगोया, लेकिन कलर पक्का नहीं होता है। इसका प्रॉपर मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 4 लीटर पानी, और उस 4 लीटर पानी में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 8 टेबल स्पून सॉल्ट। अगर आप टेबल स्पून से मेजर करते हैं तो 8 टेबल स्पून, नहीं तो आधा कप। मैंने यहाँ पर आधा कप नमक लिया है जो वजन में 100 ग्राम है। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप 100 ग्राम मेजर करके डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक ऐड किया है। नमक को अच्छे से घोल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें कपड़े को डिप करेंगे। अब कपड़ा आपको डिप कब करना है, जब आप कोई मार्केट से नया कपड़ा लेकर आते हैं, आपको डाउट होता है कि ये कपड़ा रंग छोड़ने वाला है, उस स्टेज में आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर हमारा कोई पुराना कपड़ा है जिसने ऑलरेडी कलर छोड़ दिया है, तब क्या हम इस प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। उस केस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टी शर्ट ली है, मुझे डाउट था कि ये टी शर्ट थोड़ा सा कलर छोड़ेगी, इसलिए मैंने इसको इस नमक के पानी में भिगो दिया है। नमक के पानी में भिगोने के बाद मैं इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, और 2 घंटे के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि कैसा है, इस टी शर्ट ने कलर छोड़ा या नहीं छोड़ा। 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि टी शर्ट ने पानी में थोड़ा सा रंग छोड़ा है, उस लेवल का रंग नहीं छोड़ा है जितना एक्सपेक्ट किया था। तो आप इसको सिंपली इस पानी से निकालने के बाद साफ पानी में 2 से 3 बार वॉश करें और इसको शेडो में फैला दें ताकि इस टी शर्ट का रंग पक्का हो जाए। अक्सर डार्क कलर के क्लोथ्स का रंग जल्दी उड़ जाता है, इसलिए कोशिश यही करें कि अगर आप इसको धूप में फैला भी रहे हैं तो केवल 1/2 घंटे के लिए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आप इसको बिना धूप के ही फैलाएं और इसको सुखा लें। अब मेरे पास एक और सूट है, उसके लिए भी मैंने सेम ऐसे ही पानी बनाया था, इसको भी मैं इसी तरीके से डिप करके छोड़ देती हूँ 2 घंटे के लिए। और जब भी आप इन कपड़ों को डिप करें तो ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा इनको उल्टा करके ही डिप करें, अदरवाइज कपड़ों का रंग और टेक्सचर खराब होने का डर रहता है। इसलिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। देखते हैं 2 घंटे के बाद ये कितना कलर छोड़ता है। अभी तो आप देख सकते हैं कि पानी में कलर नहीं है क्योंकि इसने अभी तक कोई भी कलर छोड़ा नहीं है। नाउ लेट्स सी आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद जस्ट लुक एट दिस, पानी बिल्कुल ग्रीन हो चुका है, ग्रीन और ब्लू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, इसने इतना ज्यादा कलर छोड़ा है। और ये सूट मेरा वो है जो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, तो इस पर भी मैं यही प्रोसीजर अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने उसको कलर वाला पानी जो था उससे निकाला, उसको फेंक दिया, और अब अगेन मैं यहाँ पर इसको साफ पानी में इस तरीके से वॉश कर रही हूँ। आपको इसे तब तक वॉश करना है जब तक कि ये जो पानी है आप देख रहे हैं इसका कलर बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो कम से कम 3-4 बार लगेंगे और आपको इसे वॉश करना रहेगा। 3 से 4 के बाद आप देखेंगे कि कलर बिल्कुल साफ आ चुका है पानी का। तो उस स्टेज में आपको कपड़े को निकालना है, लेकिन मशीन में ड्राई नहीं करना है। आप इसको हल्का सा अपने हाथों से ही निचोड़ दीजिए। निचोड़ने के बाद या तो रस्सी पर या फिर आप हैंगर में इसको हैंग कर सकते हैं।
ध्यान ये रखना है कि धूप में बिल्कुल भी हैंग ना करें, छाया में ही इसको सुखाएं और सूखने के बाद आयरन करके यूज करें। आपके कपड़ों का रंग पक्का हो चुका है। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।